अच्छा, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी पंजाब हुकूमत ने आपको वजीर बनाने का फैसला किया है। नहीं नहीं यार, पंजाब कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाब ने आपके पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगवा दी है। ये चाचा का क्या मतलब है, ये क्यों कहा जाता है? अगर मैच पे होता तो ऐसे प्लेयर खेल रहे ना, उनको दादा बोलना फिर चाहिए। हेलो जी, मैं हूँ तस्खीर। इस वीडियो के अंदर एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो देखेंगे हम। इफ्तिखार अहमद ने जो 6 छक्के लगाए हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो भी किया हुआ है, आपको एंड में मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने वो वीडियो देखा था जब वो 6 छक्के लगा रहे थे। इंटरव्यू देखने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। टूथू क्वेटा में आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कामयाबी हासिल करके क्वेटा के शहरियों को एक बहुत बड़ी खुशी दी है, और इस खुशी की जो सबसे बड़ी रीजन थे वो इफ्तिखार अहमद थे। 6 छक्के लगाए जो कि पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, आखिरी ओवर में 6 छक्के लगा दिए। अभी अभी मेरे साथ इफ्तिखार भी मौजूद हैं। वर्ल्ड कप में आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बीपीएल हम सब ने देखा, और आज आपने क्वेटा में भी कमाल कर दिया। चचा बढ़िया प्लेयर जी, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह यही था कि अपने फॉर्म को थोड़ा कंटिन्यू रखूं, और बिल्कुल पहले आया थोड़ा मुश्किल लग रहा था, तो आपने सिचुएशन के साथ अपने आप को एडजस्ट किया, फिर अल्लाह पाक ने रहम करके। अच्छा, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी पंजाब हुकूमत ने आपको वजीर बनाने का फैसला किया है। नहीं नहीं यार, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाब ने आपके पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगवा दी है। नहीं, वहाब भाई ने हमेशा पाकिस्तान के लिए बहुत अचीवमेंट की है, पाकिस्तान के लिए बहुत मैच जितवाए, उनके रिस्पेक्ट हमारे दिल में हमेशा रहेगी। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि पीएसएल का आज से मोमेंटम स्टार्ट हो गया है, क्वेटा ग्लैडिएटर पिछले 2 साल से फाइनल में नहीं आ पा रही है, अब आप लोग बहुत अच्छी टोन में दिखाई दे रहे हैं, नसीम फिट हैं, हसनैन फिट हैं, आप फॉर्म में आ गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने नाम लिए जिन प्लेयरों के, हमारे साथ नवाज़ भी है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। और देखो, हम मोमेंटम चाहिए एक टीम को, वो मिल चुका है स्टार्टिंग में। प्लेयर देते हैं अपने लोकल प्लेयर मोमेंटम देते हैं, वार्म अप मैच में भी ओवरसीज है वो तो आके परफॉर्म कर जाता है, मगर जब आप वो टीम चैंपियन बनती है जो अपना लोकल के साथ मतलब हेल्प करे, तो जिस तरह हमारे साथ भी सारे मतलब वर्ल्ड कप बेस्ट प्लेयर्स रहे हैं, वॉटसन खेल के गए हैं, केपी खेल के गए हैं आपकी टीम के लिए। और दूसरी बात कि हमारे जो वर्ल्ड कप के प्लेयर है सारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह टीम हमारी लग रही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफा हमारे चैंपियन होगी। इफ्तिखार भैया, इफ्ती मानिया क्या है, इसके टिकट्स कहां से मिलेंगे? सोल्ड आउट जा रहा है इफ्ती में, ट्रेंड निकल रहा हो। अच्छा, लास्टली क्वेटा में आके यहाँ जितना अंदर था उतना बाहर था, कैसा लगा आपको, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि क्वेटा के लोग बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत जितना सपोर्ट किए क्रिकेट को, और आज जितना हमने क्राउड देखा है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मैचेस होनी चाहिए, पीएसएल के भी होनी चाहिए, ताकि ये हमारे क्वेटा के लोग भी यहाँ पे आके एंजॉय कर सकें। आखिरी सवाल, आपने पहले भी एक इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया है, ये चाचा का क्या मतलब है, ये क्यों कहा जाता है? यार ये तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये तो बाबर ने गपशप में कहा था, वो इतना हो गया है। हाँ, बाबर ने वायरल किया। आप तो माशाल्लाह यंग है, बुरा तो नहीं लगता? अब मुझे कोई चाचा कहे तो बुरा लगेगा? नहीं, अगर एज पे होता तो ये लगते हैं शक्ल से, उनको दादा बोलना फिर चाहिए। इफ्तिखार की आपने गुफ्तगू सुनी है, काफी खुश दिखाई दे रहे थे, और आज उन्होंने बहुत पहली बार दिखाई है, एक ओवर में 6 छक्के लगाए, और वो भी वहाब रियाज को। जी, बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं भाई, पहली बार मैंने ये रूप देखा है इफ्तिखार चचा का, क्योंकि वो छक्के चौके 50 सेंचुरी मारते हुए मैंने उनको देखा है, लेकिन कोई वैसा कुछ रिएक्शन नहीं रहता है उनका, मार दिया तो एक बल्ला उठाया और चले गए, लाओ भाई अगली बॉल खिलवाओ मुझे, इस टाइप से उनका कुछ एटीट्यूड रहता है। लेकिन आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, और इंटरव्यू में भी काफ़ी चहकते नज़र आ रहे हैं। चचा वाले सवाल पे भी कुछ कह रहे थे, ऐसे ऐसे लोग खेल रहे हैं कि उनको दादा बोलना चाहिए। हाँ, शक्ल से थोड़ा मतलब आप देखेंगे फ़ोटो या पिक्चर में या वीडियोस में तो लगता है कि हाँ थोड़ी उम्र ज़्यादा होगी, इसीलिए शायद उनको चचा बोला होगा। चचा वायरल किसने किया वो मुझे अभी पता चला, बाबर आजम ने उनको कभी चचा बोल दिया होगा किसी इंटरव्यू में, हंसी मजाक में कभी चचा बोल दिया होगा, तो वो चीज़ वायरल हो गई पूरी मतलब वर्ल्ड में कि इफ्तिखार चचा। लेकिन जो भी है, चचा भी हैं अगर वो, लेकिन पावरफुल चचा है भाई, 6 छक्के लगा दिए उन्होंने, और पावरफुल बैटिंग रहती है उनकी, हमने देखी है, तो ज़बरदस्त रही है बैटिंग। एंड पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर
अभी अभी उनको बनाया गया है वहाब रियाज को, उनको छक्के लगाए गए हैं, तो मीडिया में चल रहा होगा, सोशल मीडिया में छक्के लगाने के बाद 6 छक्के जब उनको पड़े होंगे तो यही वायरल चल रहा होगा कि अब यार इफ्तिकार को उनकी सीट दे दो और उनको बिठा दो, तो मीम्स टाइप के ऐसे चल रहे होंगे हंसी मजाक। तो पहली बार ये इंटरव्यू इंटरेस्टिंग था हमने उनका देखा, कुछ हंसी मजाक के किस्से भी है। बढ़िया भाई, हिस्ट्री बनाई है कल उन्होंने, ज़बरदस्त। देखते हैं PSL कवर करेंगे अगर जैसा जैसा रहता है। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप चाहते हैं कि हम PSL को भी कवर करें, मैचेस को कुछ देखें उससे रिलेटेड, तो आप बता सकते हैं। फिलहाल एंड करते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।